नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शर्मा। खबर रतनगढ़ से है, जहाँ पर आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटा घर व किसी बाजारों में जश्न मनाया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। किस तरीके से उनके अंदर यह खुशी और किस तरीके से उन्होंने जश्न मनाया है, सीधा देखिए इस खबर में। रतनगढ़ में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को खुशी का इजहार किया। भाजपा नेत्री रूबी महर्षि के नेतृत्व में कार्यकर्ता घंटाघर के पास एकत्रित हो गए और आतिशबाजी कर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान महर्षि ने कहा कि चुनावों में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है, इससे यह स्पष्ट हो गया कि देश की जनता अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। वहीं यूपी में भाजपा को मिली बहुमत ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर अपना विश्वास जताया है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान संतोष तारनिया, अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह, सुशील इंदौरिया, नंदलाल सुरोलिया, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, भरत रांकावत, सुरेंद्र सिंह, कुसुम शर्मा, सलीम खान, रुकमणी प्रजापत, सीता शर्मा, कंचन प्रजापत, लक्ष्मी देवी, कनक स्वामी, रमेश जेदिया, साव सिंह, महेश शर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ इतनी शानदार जीत के लिए। हम सभी बहुत खुश हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, सब बहुत खुश हैं। इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है, हम सारा बीजेपी, हमारी पार्टी इतनी मजबूत हुई है, बाकी पार्टियों को हमने पीछे छोड़ दिया और हम बहुत आगे निकल गए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।